उत्तराखंड में G20 के सम्मेलन के लिए आए हैं। जो लोग यहाँ पे G20 के सम्मेलन के लिए आएंगे विदेशों से, उनके लिए ये सौंदर्यकरण का काम चल रहा है और हम जगह जगह इस पेंटिंग को, नीचे से टीरी तक पेंटिंग चलेगी, दर्शाया जा रहा है जो यहाँ का कल्चर है वो भी दिखाया जा रहा है इस पेंटिंग में। G20 जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और अगर हम देखें विश्व स्तर पर तो GDP में मोर देन 75% कंट्रीब्यूशन GDP का है। तो विश्व के जो 19 सबसे जो प्रबल राष्ट्र हैं जिसमें हमारा भारत भी है, उनके यहाँ पर बैठक होनी है और उनका एक लेग की बैठक जो है वो यहाँ पर होगी, जो वर्किंग ग्रुप की बैठक है जिसका मुख्य थीम है एंटी करप्शन, तो भ्रष्टाचार निवारण, उस पर यहाँ पर बैठक होनी है जिसमें सभी जो राष्ट्र हैं वो मिलकर के एजेंडा तय करेंगे और उसमें जो भी एजेंडा होगा वो समिट लेवल पे उसको फाइनल जो है अमली जमा पहनाया जाएगा। तो बैठक उसके संबंध में है। फिलहाल राज्य सरकार इसमें जो हमारी संस्कृति है, हमारी कला है, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज हैं, हमारी ग्रामीण जीवन शैली है, उन सभी को हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं। और 28 तारीख को जो है डेलीगेट जो अपनी हेक्टिक का जो उनका पार्लेज है, मीटिंग है, बैठक के उपरांत यहाँ पर आएंगे। उन्हीं गांव का माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। इसमें हम लोग पूरे अपने उत्तराखंड की संस्कृति से उनको रूबरू कराएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि हमारे यहाँ जो देसी लोकल प्रोडक्ट है उसके बारे में उनको जागरूक करेंगे। पर्यटन के लिए यहाँ पे हमारा जो हमारा वन है उसके बारे में और पर्यटन से वो कैसे जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी चर्चा होगी। उसके लिए भी एक एग्जीबिशन लगाया गया है। आंगनवाड़ी सेंटर जो है उसको दिखाना है, हमारी कृषि है, कृषि की झांकी दिखाई जानी है। स्कूल में पठन पाठन के कार्य के साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक दिखाया जाना है। हमें पंचायती राज के जो विभाग है उसमें पंचायत से जो हम लोगों ने पंचायत भवन है, पंचायत ग्राम सभा की बैठक कैसे होती है वो हमें उनको दिखाएंगे। इससे लोकतंत्र कैसे हमारा सुदृढ़ है उसको दिखाया जाना है। तो एक व्यापक पैकेज है जो कि हम लोग उनको 3 घंटे के अंतर यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न करेंगे। और ये कुल कार्यक्रम जो है 28 तारीख को माननीय जिलाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में इसको सफलतापूर्वक हम लोग करने का लगातार प्रयत्न।